वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है निशित कुमार और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मिस्टर सोहन टेक। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं तीन ऐसे एप्स के बारे में जिनको भारत सरकार ने बैन कर दिया है, और बैन क्यों किया इसका भी एक रीजन है। ये रीजन मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। अगर आप वीडियो में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो का लाइक कर दीजिए और बताइएगा कि आप हमारी वीडियो आपको कैसी लगती है। दोस्तों, मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि आपको अच्छे से अच्छा और सच्चा कॉन्टेंट दूँ ताकि आपको मेरे YouTube चैनल से नॉलेज मिले और आपका फायदा हो। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ इन ऐप को बैन क्यों कर दिया गया है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि Facebook ने एक ऑप्शन दे रखा है किसी भी ऐप में लॉगिन का। दोस्तों, उससे क्या होता है, फेसबुक ऐप से जब आप किसी भी ऐप में लॉगिन करते हैं तो आपकी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है वो उस ऐप में पहुंच जाती है। इसके जरिए जो ऐप्स के ओनर होते हैं वे उनके पास आपकी सारी जानकारी चली जाती है, और अगर ओनर गलत होता है तो वो आपके जो जानकारियां हैं, आपकी जितने भी इन्फॉर्मेशन है वो लीक हो जाती है। उनके जरिए आपके अकाउंट तक भी पहुंच सकते हैं और आपके अकाउंट से पैसे भी उड़ा सकते हैं। दोस्तों, तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने, ताकि आपका पर्सनल डाटा, पर्सनल इन्फॉर्मेशन चुराई ना जाए और आपके किसी भी ऑनलाइन सर्विस की जो सिक्योरिटी होती है उसको खतरा ना हो, इस चीज को ध्यान में रखकर भारत सरकार ने इन तीन ऐप्स को जो है बैन कर दिया है। और इन ऐप के क्या नाम है आपको बता देता हूँ। पहला जो है उसका नाम है मैजिक फोटो लैब, जिससे फोटो एडिट किया करते थे। दूसरा जो है वो है ब्लेंडर फोटो एडिटर। तीसरा है पिक्स मोशन एडिट 2021। ये जो तीन ऐप्स है, इन तीन ऐप्स को भारत सरकार ने बैन कर दिया है। दोस्तों, तो दोस्तों मेरे हिसाब से तो भारत सरकार ने बहुत अच्छा किया है, क्योंकि दोस्तों इन ऐप्स के जरिए आपकी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है फेसबुक के जरिए वो उनके पास जा रही थी और आपके अकाउंट को भी बहुत ही खतरा था इन ऐप से। तो दोस्तों, आप भी अगर अपने जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन ध्यान से किसी भी ऐप्स में जाकर लॉगिन करें, इससे दोस्तों आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन वहां पर चली जाती है, उससे आपके जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट्स या बैंक अकाउंट होते हैं उनको खतरा रहता है। दोस्तों, आज का ये आपको वीडियो कैसा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। भाई, बहुत मेहनत करता हूँ आपके लिए वीडियो लाने के लिए। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में।